एक्टर्स और डायरेक्टर्स को आगे बिठाया जाता है, सबसे आगे की रोज में वो बैठते हैं, और पीछे जहाँ पे आपको कैमरा में भीड़ दिखानी है, तो वी आर लाइक द क्राउड फॉर कैमरा, तो हमको पीछे राइटर्स को, लिरिक्स राइटर्स को और एडिटर्स को, तो कई बार मतलब एडिटर्स को तो स्टेज पे भी बुलाया नहीं जाता है, वो पहले अनाउंस कर देते हैं खाली ऑडिटोरियम में, और वो फिर बाद में उनको अलग से बुला के उनको हिमन अवार्ड दे दिया जाता है। Very talented, let's see, what all is he now? Lyricist, comedian, stand-up comedian, writer, the movie coming up in which he's an actor, he's also a director, later on, God knows what else he's going to do. Varun is over here because he's going to be talking about his show called Fursat Mein Serious Baatein with Varun Grover. To start off with, Varun, what exactly is this show about? So the show is called फुर्सत में सीरियस बातें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सीरियस बातें करें लेकिन उतनी सीरियसली ना करें कि लोग घबरा जाएं कि ये तो कुछ बहुत हेवी टॉपिक्स की बात हो रही है। सो ब्रेक थ्रू द एनजीओ दे केम टू मी विद दिस आइडिया, एंड द आइडिया इज देयर दैट वी शुड टॉक टू क्रिएटर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स इन फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री अबाउट डिपिक्शन ऑफ वायलेंस ऑन स्क्रीन, क्योंकि वायलेंस हमारी फिल्मों में हमेशा से रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो हम लोगों को खुद ही ठीक से नहीं पता है। हम लोग दिखाते हैं लेकिन हम लोग कई बार उससे बहुत ब्लाइंड हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब कई बार मजे के लिए फिल्मों में वायलेंस होता है, कई बार स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए होता है, कई बार फिलर्स की तरह होता है, बट उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, ये ब्रेक थ्रू इस पर काफी टाइम से काम कर रहा है। सो दे केम टू मी एंड दे सेड कि लेट्स डू अ शो वेयर वी टॉक टू क्रिएटर्स अबाउट वायलेंस, व्हाट देयर आइडिया ऑफ वायलेंस, वो क्यों वायलेंस लिखते हैं, क्यों दिखाते हैं और कैसे दिखाते हैं। So I found it fascinating that this is something of almost like a blind spot for a lot of writers. हम लोग दिख देते हैं कई बार, और हमने भी बहुत सालों से इन्फ्लुएंस रहा है सिनेमा का, तो हम वो दिखते हैं जो हमने देखा है, और समाज में इतना वायलेंस है तो कई बार वो उस तरह का वायलेंस होता है कि वो समाज में हमने देखा है, कहीं पे गैंग वॉर है या कोई पॉलिटिकल या कहीं पे पुलिस की ब्रूटैलिटी है, कई तरह की चीजें जो हम देखते रहते हैं। तो यहाँ से बात शुरू हुई एंड देन वी कॉन्टेक्टेड अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स एंड फोर ऑफ देम आर इन दिस सीजन वन ऑफ दिस शो। विक्रमादित्य मोटवाने हैं, अलंकृता श्रीवास्तव हैं, सोनाली बोस हैं और सुदीप शर्मा हैं, जिनसे हमने इस सीजन में बात की है। वी वॉन्ट टू टॉक टू मोर एंड मोर क्रिएटर्स इन द फ्यूचर सीजन ऑफ द शो, और इसमें हम वायलेंस पे बात करते हैं, उनके आइडिया ऑफ वायलेंस पे, उनके इन्फ्लुएंसेज ऑफ सिनेमा की, कहाँ से उनकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है कि फिल्म में वायलेंस क्यों होता है या क्यों होना चाहिए, तो उन सब टॉपिक से लेकर फिर बातें खुलती जाती हैं, तो फिर उनके पूरे बट इट ओनली द स्टीरियोटाइप्स वी टॉकिंग अबाउट इन द फर्स्ट सीजन, ये सिर्फ रिगार्डिंग वायलेंस है। You also, like this discussion which we just had, you've spoken about the gender stereotypes and all. Yes. So those will come in the future season also. नहीं, उसका भी इसी में है, क्योंकि जब बात वायलेंस से शुरू होती है लेकिन बात फिर तो फैलती है, तो उसमें सारी की सारी चीजें कुछ वायलेंस पेट्रियार्की का एक आउटकम है, फिर रिप्रेजेंटेशन अगर रूम में अच्छा होगा जिसमें कि हर डाइवर्सिटी के लोग होंगे राइटर्स रूम में, तो वायलेंस का डिपिक्शन कहीं और तरह से होता है, तो ये सारी चीजें अपने आप उसमें समा जाती हैं सेफ टॉपिक के अंदर। वी स्टार्ट विद दिस बट वी गो ऑन इनटू द एंटायर क्रिएटिव प्रोसेस एंड द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ अ फिल्म और द फिल्म मेकर। I'm not the kind of person who can ever see the wound. मेरा relationship की violence के साथ थोड़ा शायद बदल रहा है। About whether you're violent or not, but I'll never be offered a male action film. At least three projects which I know of, which are very interesting, which I saw the trailers of today. There is Chakki, which gives me very of those office feels in the modern scenario. There is Kala, which I mean, आपका उसमें you are coming as an actor in that. आपका exactly role trailer से पता नहीं चलता है. It's like a short thing. मेरा एक गाना भी, मतलब उस फिल्म में मैंने गाना भी लिखा है. Exactly, which is about it's about this up and coming musician. Yeah. Really. So and there's of course All India Rank, which you're directing. Right. Yeah. So tell us something about those things, and then I'll end up with the last question because I know that he has to rush off somewhere. तो हमारा सबसे पहले मेरी फिल्म जो है ऑल इंडिया रैंक, जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरी पहली फिल्म है एज ए डायरेक्टर, फीचर फिल्म है। इससे पहले अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है किस, जो कई फेस्टिवल में जा चुकी है और जा रही है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेलर किस इज, आई मस्ट माय ट्रेलर है ऑनलाइन आप देख सकते हैं।
और ऑल इंडिया रैंक अभी शूटिंग बाकी है, बट अक्टूबर और नवंबर में हमारी फिल्म शूट कंप्लीट हो जाएगी। बाय एंड ऑफ दिस ईयर वी फिनिश द फिल्म एंड देन सम टाइम नेक्स्ट ईयर आई होप इट कम्स आउट एंड पीपल कैन सी इट। कला है, कला अनिता दत्त की फिल्म है जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और उन्होंने इससे पहले बुलबुल नाम की फिल्म बनाई थी, लिरिक्स राइटर हैं और अनिता की दूसरी फिल्म है एज अ डायरेक्टर और इसमें उन्होंने मुझे छोटा सा रोल है, बहुत छोटा रोल है, मतलब ऐसा कोई मैं लिरिक्स राइटर बना 1940 के दशक की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। अच्छा, तो मुझे एक लिरिक्स राइटर का एक छोटा सा रोल दिया गया और मैंने गाना भी लिखा है फिल्म में। और तीसरा आपने कहा चक्की, उसमें मैंने एक गाना लिखा है, इंडियन ओशन का म्यूजिक है और इंडियन ओशन के साथ मेरा बहुत प्यारा संबंध है तो उन्होंने कहा है गाना इस फिल्म में लिखो, उसमें पीयूष मिश्रा के कुछ गाने हैं, एक गाना मेरा है और ये फिलहाल इस तरह के काम में कर रहा हूँ। आई थिंक दिस शुड बी अ मास्टर क्लास इन हाउ यू आंसर अ क्वेश्चन इन वन ब्रेथ, यू नो, रिमाइंड मी ऑफ शंकर महादेवन फ्रॉम ब्रेथलेस, बट टू गो टू द लास्ट क्वेश्चन जो आप 30 सेकंड में आंसर करिए, why doesn't, and you, I know that you've done a comedy set on this very recently for some screenwriter awards, why doesn't Warren Grover go to award shows? Award shows में मुझे लगता है writers की इज्जत नहीं होती है, सिर्फ actors की इज्जत होती है, actors और directors को आगे बिठाया जाता है, सबसे आगे की रोज में वो बैठते हैं और पीछे जहाँ पे आपको कैमरा में भीड़ दिखानी है तो वी आर लाइक द क्राउड फॉर कैमरा, तो हमको पीछे राइटर्स को, लिरिक्स राइटर्स को और एडिटर्स को, तो कई बार मतलब एडिटर्स को तो स्टेज पे भी बुलाया नहीं जाता है, वो पहले अनाउंस कर देते हैं खाली ऑडिटोरियम में और वो फिर बाद में उनको अलग से बुला के कहीं को हमें अवार्ड दे दिया जाता है। सो टेक्निकल अवार्ड्स एंड राइटर्स एंड लिरिक्स राइटर्स हु आर नॉट इवन टेक्निकल सो टू से इन द थियोरेटिकल सेंस, उनको भी बिल्कुल अवार्ड वाले एकदम और बड़े बड़े अवार्ड शो, मतलब जो भी सबसे बड़े पब्लिकेशन हैं या सबसे बड़े नामी गिरामी अवार्ड वाले हैं, तो भी राइटर्स को पता नहीं क्यों या उनका एक आइडिया बन गया है कि इंडस्ट्री जो है वो स्टार्स से चलती है, एक्टर से चलती है, तो एक्टर्स को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती मिलनी चाहिए, हर इंसान को मिलनी चाहिए, लेकिन आप फिर वो वहाँ पे यू शुड नॉट मेक एक्चुअली राइटर इज द क्रिएटर ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके राइटर्स की कलम से और दिमाग से निकला है कोई 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 किस्सा है, कोई कहानी और उससे फिर फिल्म बनी है और उसको आप उस तरह से करते हैं तो वो एक तरह का बहुत बुरा लगता है। और इनफैक्ट जब एक साल 2015 में जब मसान आई थी और दम लगा के ऐशा आई थी तो अगले साल बहुत नॉमिनेशन दिए कभी दम लगा के ऐशा के लिए कहीं मसान के लिए, और मैं बहुत जगह गया था और फिर तीसरे चौथे अवार्ड शो के बाद मैंने खाखरा और मूंगफली ले जाना शुरू कर दिया, मैं वहाँ पे बैठकर मैं खाखरा खा रहा होता था क्योंकि इतना समय लेते थे वो लोग और हमको कहीं पीछे बिठाते थे वहाँ से पानी लेने के लिए, उन्हें पानी पूछा जाता था हम कुछ, तो अपना पानी अपना खाखरा अपनी मूंगफली लेकर हम जाते थे और हम वहाँ बैठ के खाते थे हम पूछा ले, और ये हालत हो गई थी फिर मुझे लगा इतनी जिलत से तक क्या So this is why we really like talking to Warren Grover. Even this is the first time I've met him. But Warren, thank you so much for talking to us. Thank you. I mean, best of luck for the future seasons of this. And take care. Thanks a lot.